हेलो माय डियर चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो इम्पोर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड का अगर हम इस एनोड इलेक्ट्रोड के साथ में इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एनोड में क्या प्रोटोड आएगा और कैथोड में क्या आएगा, या इस पर्टिकुलर कंपाउंड का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ द एक्टिव इलेक्ट्रोड तो प्रोटोड ऑप्टेंड एट द एनोड और कैथोड में क्या होगा। तो वो जानने के लिए हमको जो आज पढ़ना पड़ेगा दैट इज समवॉट ए टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का छोटा सा पार्ट है, और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट जो मुझे डिस्कस करना है आपसे दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और मैं चाहूँगा कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू कन्वर्ट आइदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब मैं बोलूँगा कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ये ऐसा डिवाइस होता है विच इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, और ये एक ऐसा ही डिवाइस है जो यूज होता है टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब है कि जो डिवाइस हम यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जो विच इज यूज और जिसका यूज किया जाता है फॉर कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ऐसे डिवाइस या ऐसे सेल का नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और वो डिवाइस होता है जिसका हम यूज करते हैं फॉर द कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उस सेल को हम बोलते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज ए गैल्वेनिक और इट विल बी कॉल्ड एज ए वोल्टेइक सेल। तो आपको समझ में आ गई। इसका मतलब है इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है ये दो तरह के होते हैं, या तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा या तो गैल्वेनिक या तो वोल्टेइक सेल होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या होता है, ये वैसा सेल है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है फॉर द कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। जहाँ तक आपने जाना होगा कुछ एग्जाम्पल्स, नेल्सन सेल होता है, कास्टनर क्लेनर सेल होता है, डाउन सेल, और कास्टनर क्लेनर प्रोसेस में जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज किया जाता है उस सेल में एनोड कैथोड भी होता है और हम उसमें से करंट पास करते हैं। जब करंट पास करेंगे तो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होने से वो पर्टिकुलर एलिमेंट या गैस लिबरेट करेगा, मतलब कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल। और ये गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल ऐसा होता है जिसमें केमिकल्स होते हैं, और जब आप करंट पास करोगे इसमें, सॉरी, जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स का रिएक्शन होने के बाद वो कुछ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, उसे बोलते हैं वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल। बट आज जो हमें डिस्कस करना है वो हमको डिस्कस करना है अबाउट डीजल एंड दैट इज कॉल्ड एज अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पीछे में मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज टू कन्वर्ट व्हाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो हो सके तो आप इसे नोट डाउन कर दीजिए। आई एम गोइंग टू राइट नाउ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मीन्स इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। और ये जानने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ टर्म सीखेंगे इसमें। सबसे पहला टर्म जो होता है उसमें एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग ए नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, एक आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और दूसरा आएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तीसरा आएगा इसमें व्हाट इज मीन बाय द इनर्ट इलेक्ट्रोड, एंड तीसरा आएगा व्हाट इज मीन बाय द एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक आएगा इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक आएगा एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड और कुछ टर्म्स आने वाले दैट विल बी कॉल्ड एज एक्वस मीडियम एंड मोल्टन एंड ऑल। तो इसमें कुछ होगा, एक होता है मोल्टन, एक होता है एक्वास, एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड। सो लेट मी टेल यू द व्हाट इज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन थ्रू विच करंट कैन पास,
solution through which current can pass. अब आपको मालूम है ऐसे कौन से सॉल्यूशन होंगे जहां से करंट पास करते हैं, जैसे कि आप ले लो एक एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, अगर इस एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl को आप पानी में डाल दोगे या NaCl को पानी में डालोगे तो आपको Na प्लस और Cl माइनस दो आयन आएंगे, और ये जो दो आयन से ये कैसे मोबाइल आयन है, अगर आयन मूव होगा तो इट इज आयन इज नथिंग बट द कैरियर ऑफ करंट होता है और करंट यहाँ से पास होगा. सो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब दिस मीन्स द सॉल्यूशन व्हिच हैज द टू अपोजिटली चार्ज आयंस and mobility of ions is there, that mobility of ions will help us to conduct the electric current so that it act as a electrolytic solution. मतलब solution जिसमें से current pass किया जा सकता है ऐसा solution को बोलते हैं electrolytic solution. अब आगे non-electrolytic solution, बेटा जो सारे के सारे और covalent compound के जो solutions होते हैं, covalent compound solution जो होते हैं सारे के सारे non-electrolyte होते हैं. जैसे कि आपको मालूम है solution of urea, हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, या तो सॉल्यूशन ऑफ शुगर ले लो आप, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ए कोवेलेंट कंपाउंड, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड. एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑल नॉन पोलर कंपाउंड जिसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते, और अगर आयंस प्रेजेंट नहीं होगा सो दैट मीन दिस एक्ट एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. तीसरी बात आती है इलेक्ट्रोड्स, दैट इज एक्टिव और इनर्ट. इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब द इलेक्ट्रोड विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, मतलब इस ये इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होता है ये रिएक्शन होने के लिए यूज होता है पर इसका रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ नहीं होता है. और एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब इट विल बी पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. तो यहां लिखूंगा इनर्ट में इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेडॉक्स रिएक्शन, और इसके लिए एक्टिव के लिए क्या होगा, इट विल पार्टिसिपेट इन द रेडॉक्स रिएक्शन. बात आ गई बेटा मोल्टन और एक्वास की. किसी भी कंपाउंड को अगर आपने मीडियम एज ए वाटर में डाल दिया तो हमको जो सॉल्यूशन मिलने वाला है उस कंपाउंड का एक्वा सॉल्यूशन मिलेगा. मतलब मीडियम क्या हो गया यहाँ पर, वाटर, दैट इज एक्वा सॉल्यूशन. अगर किसी भी कंपाउंड को अगर आप बीकर में लेके डायरेक्ट हीट करा दोगे तो हीट करने के बाद में जो मेल्टेड फॉर्म आता है उस मेल्टेड फॉर्म को बोलते हैं molten state of the compound, और उस molten state of the compound is nothing but the molten form of the compound. तो ऐसे कुछ terms हमको सीखने हैं electrolytic cell में. चलो ये होने के बाद हम लोग जानेंगे कि electrolytic cell होता कैसा है. चलो we'll go for the diagrammatic part और उसमें कुछ conceptual part भी सीख लेंगे mechanism कैसे होता है. So in this electrolytic cell हम जो जानने वाले हैं, we have taken the one of the electrode, sorry beaker, और बीकर के अंदर में हमने एक इलेक्ट्रोड रखा है एंड लेट अस से एक इलेक्ट्रोड जो होता है कैथोड और दूसरा इलेक्ट्रोड जो होता है एनोड. मैं इसको बोलूंगा दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज ए एनोड, और ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हम बोलेंगे इट एक्ट एज ए कैथोड. केमिस्ट्री में हमने इतना तो जाना है बेटा कि सारे के सारे एनोड जो पार्ट होता है एनोड इलेक्ट्रोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होगा. दैट मीन्स जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो रिडक्शन, जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीडेशन. और ये कैथोड और एनोड ये बैटरी के इस पार्ट को जुड़ा हुआ है. और लेट अस से ये एनोड जो जुड़ा हुआ है ये पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी को जुड़ा है, कैथोड जो जुड़ा है नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी को जुड़ा है. पॉजिटिव एंड को जुड़ा है तो ऑब्वियसली जो मेरा ये इलेक्ट्रोड हो गया पॉजिटिवली चार्ज और ये इलेक्ट्रोड मेरा होगा एज ए नेगेटिवली चार्ज. इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज है. और आप इसमें कंसिडर करो कि इसके अंदर मैंने एक सॉल्यूशन लिया गया है एंड लेट अस से ये जो मेरा सॉल्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड ए बी. मैं ऐसे एक कंपाउंड ए बी लेके चल रहा हूँ इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंसिडर किया. जब ये सॉल्यूशन बना होगा तो ऑब्वियसली मुझे ए के पॉजिटिव चार्ज मिले होंगे और बी के नेगेटिव चार्ज मिले होंगे. तो ये पूरे सेल के ये पूरे बीकर के अंदर we are having a number of mole means maximum number of a plus and maximum number of b minus. तो number depend करेगा उसके mole पे हमने कितना mole लिया है. अब जैसे ही current pass करते हो ये positive ion will be attracted toward the negative electrode और negative ion will be attracted toward the positive electrode. तो देखिए reaction कैसे होता है. कभी भी आप rule याद रखो बेटा electrolytic cell में, cell का जब reaction लिखते हो तो सबसे पहले anode का ही reaction लिखो. तो let us say जो पहला reaction होगा that is reaction take place at anode जो कि positively charged है. बट हम बोल सकते हैं कि positively charged anode होता है जिसमें oxidation takes place, तो POA करके आप remember कर सकते हो.
दैट मीन्स एट एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड मतलब ये हो गया नेगेटिव आयन आ गया, सो लेट अस से ये बी नेगेटिव आयन, ये ऑक्सीडेशन कब होगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बी बनाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, तो बी का ऑक्सीडेशन हो गया कहां पर एनोड पे। दूसरी बात रिएक्शन टेक प्लेस एट कैथोड में देखिए आप, दैट इज द रिएक्शन टेक प्लेस एट कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ये कैसा होता है नेगेटिवली चार्ज रिडक्शन, दैट मीन्स आर वी कैन से, और यहाँ पर ये हो गया कैथोड दैट इज एनआरसी, तो ये एनआरसी वाला अलग है और वो हम जो एनआरसी जानते हैं वो अलग है, सो दिस इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड वेर रिडक्शन अकर्स एंड कॉल्ड एज ए कैथोड, सो यहाँ पर ऑब्वियसली ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव है ए प्लस अट्रैक्ट करेगा, तो ए प्लस अट्रैक्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करा के अपने को ए मिलेगा एट द कैथोड। अब आप देखिए इसमें मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन एन एक्सटर्नल सर्किट अगर आप इसमें जानोगे इस एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ हो रहा है, सो इन एन एक्सटर्नल सर्किट व्हाट वी कैन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम डैश टू डैश, थोड़ा सोच के बताइए बेटा अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ हो रहा है। इस केस में देखिए जैसे बी नेगेटिव इसके पास गया इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, तो बी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन लेगा कौन एनोड, तो इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल के कहाँ जा रहा है कैथोड, तो हम बोलेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस फ्रॉम वेयर टू वेयर फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एट द सेम टाइम फ्लो ऑफ करंट जब इलेक्ट्रॉन वैसा मूव हो रहा है तो फ्लो ऑफ करंट इट टेक्स प्लेस फ्रॉम कहाँ से कहाँ, इट विल टेक प्लेस फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो फ्लो ऑफ करंट विल टेक प्लेस फ्रॉम कैथोड टू एनोड, सो ये इसका मैकेनिज्म है। अब एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं पूछता है, एग्जाम में वो आपसे ये पूछेगा कि अगर मैं आपको एक कंपाउंड दे दूंगा उसमें इलेक्ट्रोड ये पर्टिकुलर मेंशन कर देंगे और पूछेगा कि एनोड पे क्या आएगा और कैथोड पे क्या आएगा, तो हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट में वो पढ़ने जा रहे हैं, तो प्लीज नोट डाउन दिस थिंग्स। ये है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ए बी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्लो ऑफ करंट टेक प्लेस फ्रॉम कैथोड टू एनोड, चलो अब हम जानेंगे कि कुछ कंपाउंड देने के बाद एनोड पे क्या आएगा और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट आएंगे, हम उसके लिए कुछ जानेंगे, एंड लेट अस गो विद दैट पर्टिकुलर पार्ट, और वो पार्ट मैं आपसे बताऊंगा। देखिए जैसे कि सबसे पहले वो जानने के लिए कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन एट द एनोड एंड कैथोड, मतलब हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑब्टेन एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड, इसका मतलब एनोड और कैथोड पे जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होने वाले वो क्या क्या होने वाले हैं, और इस चीज को समझने से पहले हमको चीज समझना पड़ेगा दैट विल बी कॉल्ड एज ए प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, हमको जानना पड़ेगा कि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या होती है, बड़ा डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, लेट अस से छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करा के सोडियम मिल गया, आप देखो सोडियम ने अपना चार्ज डिस्चार्ज करा लिया है बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूँ क्लोराइड आयन उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सॉरी क्लोराइड आयन है उसने क्या किया अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा के अपने को हाफ सी एल टू, मतलब क्लोरीन तो सी एल वन ही है पर हाफ सी एल टू विल मेक ए वन क्लोरीन आइटम, तो जो चार्ज थी उसने अपना चार्ज निकाल दिया, जो निकालने की टेंडेंसी है चार्ज के उसको बोलते हैं डिस्चार्ज, तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी ये जानने के लिए हमको कुछ सीखना पड़ेगा। लेट अस से एक लड़की का नाम है जिसको हम बोलेंगे लीना, और लीना के पास में एक आयरन प्लेट होती है और उस आयरन प्लेट पर जिंक रखा होता है, आपको याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ मैं, लीना के पास आयरन प्लेट है और उस आयरन प्लेट में जिंक रखा हुआ है, हाइड्रोजन भाई के पास सिल्वर प्लेट है और उसके सिल्वर प्लेट में कॉपर रखा हुआ है,
आपको याद रहेगा मैंने कैसे बोला, लीना के पास आयरन की प्लेट है और उस आयरन की प्लेट पे जिंक रखा हुआ है। हाइड्रोजन भाई के पास सिल्वर की प्लेट है और सिल्वर की प्लेट पे कॉपर रखा हुआ है। इसके बाद आपको ये कुछ आयंस याद करने हैं, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, देन वी कैन से नाइट्रेट, देन विल कम एज ए सल्फेट और ये आएगा फ्लोराइड। ये जो मैंने ऑर्डर लिख के दिया आपको, इस ऑर्डर में आप एक चीज जानो कि नीचे से जब आप ऊपर जा रहे हो तो इसमें ओपी इंक्रीज होता है, और बेटा जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो समझ जाओ कि यहाँ पर आरपी इंक्रीज होता है। ओपी इंक्रीज होना मतलब ऑक्सीडेशन।